मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये जय हनुमान जय बजरंगबली छोड़ दीजिए अब आप इधर आशीष आ जाओ तू भी बगल में आ जाओ कपिल जी आ जाओ इधर से घूम के आओ भाई एक जगह हो जाओ कम से कम सुखद अनुभूति हो रही है कि आज माता जी जो हमारी पूजनीय माता जी थी लीलावती देवी उनके त्रयोदशाह पर यह पौधरोपण हो रहा है। तमाम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, शिक्षाविद हैं, अधिवक्ता हैं और सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है। अभी जिन्हें आप देख रहे हैं चंदा यादव जी हैं जो ब्लॉक प्रमुख रही हैं, जिला पंचायत की मेंबर रही हैं। हमारे दूसरे मित्र हैं मनोज राय जी हैं जो मऊ जनपद से वहां से बिलोंग करते हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जिला पंचायत के मेंबर रहे हैं, विधानसभा में भी प्रतिभाग किया है इन्होंने। लाल बहादुर पांडे जी से लेकर के विनोद चौबे और जिधर भी आप देख रहे हैं तमाम सामाजिक और सोशल साइट से जुड़े हुए लोग भी हैं। माता जी के बारे में आप सभी भिज्ञ हैं कि उनका पार्थिव शरीर 7 जनवरी को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो महामना का पवित्र मंदिर है मेडिकल के बच्चों को प्रायोगिक पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया गया। आज उनका 13वां है और सभी मित्रों ने प्रतिभाग किया है इसमें। हम लोग मनोज जी स्मरण होगा हम लोग लगभग 12 साल पहले एक पौधरोपण साथ में किए थे, आज फिर करने का अवसर मिला है। एक बार हम लोगों ने 2.5 किलोमीटर सड़क बनाया था श्रमदान से, चंदा जी ने उसमें मिट्टी फेंका था। जहां भी कहीं इस तरह का होता है त्रयोदशा जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार है जिसमें उन संस्कारों में हम लोग प्रयास करते हैं कि पर्यावरण से उसको जोड़ा जाए। तो आज इसमें भी किया गया, हजारों पौधरोपण किए गए हैं। आज हमारे बीच वीरेंद्र नाथ सिंह जी हैं, इन्हीं का खेत है। यह हुआ कि विस्तार मिलना चाहिए पौधे को, इधर कई वृक्ष लगाए हैं और इनके बेटे हैं राजीव आशीष सेना के जवान हैं और जिन्होंने यह पौधरोपण के लिए हमें प्रेरित किया, मुझे याद तो था लेकिन इन्होंने कहा कैप्टन योगेंद्र यादव, यह है कैप्टन से सेवानिवृत्त है। सर कितना दिन हुआ सेवानिवृत्त हुए? 10 साल हो गए। 10 साल और देखिए अभी भी युवा है और इनके दोनों बेटे अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो कैप्टन साहब 2 आम के पौधे ले आए हैं, एक यहाँ लगेगा, एक जहाँ त्रयोदशा हो रहा है वहाँ लगेगा। वीरेंद्र नाथ सिंह जी हैं जो एक विद्यालय के उप प्रबंधक हैं, यहाँ जिस विद्यालय में हम पढ़े हैं लघु माध्यमिक विद्यालय नसीरपुर हंसराजपुर, और ग्राम प्रधान भी रहे हैं, अधिवक्ता वकील भी। वीरेंद्र जी क्या है इसका, कई यहाँ पौधे लगे हैं? हाँ सर, ये हमारे लड़के की भी इच्छा थी कि यहाँ आम का पेड़ लगाया जाए। हमने उससे कहा कि आम का पेड़ लगाओगे तो मिलेगा नहीं तुम, हाँ। लेकिन कहा कोई तो खाएगा, हाँ। इस ऊंचे विचार पर हमने कहा कि तुरंत तैयार हो गए और हमारे नाती के जन्म के दिन पर वो वाला पेड़ लगा, हाँ। इसके बाद हमारी श्रीमती जी को कैंसर हो गया था, 5 वर्ष उनका इलाज लखनऊ में किए, इसके बाद जब वो एक्सपायर कर गई उसके बाद ये पेड़ लगाया गया उनके त्रयोदशा के दिन। और इसके बाद दीपावली के दिन जन्मदिन तो हमारा था, पर हमारे लड़के जब छुट्टी आए थे तो ये पेड़ लगा रहे थे, उसी समय इनके सूबेदार थी उनकी पत्नी इनको इतनी मानती हैं, उन्होंने फोन किया कि बेटा जब पेड़ व्हाट्सएप पर इन्होंने दिखा दिया उनको, तो उन्होंने तुरंत फोन किया कि बेटा एक हमारे सालगिरह कल है उस पर भी तो लगा दो। तो ये कल अगले दिन गाजीपुर गए और वो पेड़ जो है उनके उनके सालगिरह के दिन पर लगाए। अब ये 2 पेड़ और लगाने के लिए हम बना के थाला छोड़े थे, संयोग था कि ये
हमारी जो चाची जिंदगी भर हमने चाची कहने का जो हमको अवसर मिला है उनके त्रुदेशा के दिन हम ये शुभ लाभ पा रहे हैं। हाँ, ये संयोग से 15 दिन यात्रा के बाद उनको बेचू में शरीर के दान के समय भी मैं आ गया और आज ये भी इस मौके पर भी हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। चलिए आपको और आपके सुपुत्र जो सेना के जवान है उनके लिए भी शुभकामना और इस काम को हम लोग और बढ़ाएंगे। चंदा जी नेतृत्व कर रही हैं, पूरे जिले का नेतृत्व किया इन्होंने, बड़ी संघर्षशील महिला है। तमाम मामलों में भ्रष्टाचार उन्मूलन, अधिकारियों को पकड़ना और फिर पर्यावरण से लेकर के अनेक, चंदा जी क्या कहना है, इस मामले को और कैसे बढ़ाया जाए? आज हमको बहुत अच्छा लगा है जो माता जी के जो त्रोदशा में हम लोग शामिल हुए हैं और माता जी का जो उनका विचार था, जो उन्होंने अपने शरीर को बच्चों को दान दिया है और उन्होंने बहुत ही एक सीखने का वो किया है कि कम से कम बच्चों को जो मिट्टी नहीं मिलती है उन्होंने दिया है, उससे सीखने को मिला है। और जो आज पर्यावरण हमारा, मतलब कि पेड़ कटाई चली होती चली जा रही है, पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है, आज के दिन जो पेड़ लगा है हमको बहुत अच्छा लगा है और इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि जन्मदिन पर, सालगिरह पे, त्रही पे पेड़ लगाएं और पर्यावरण को और शादी करके शादी के दिन बहुत वधु आए तो उनसे भी लगवाया जाए, उनसे भी लगवाया जाए। और माता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मनोज जी हमारे परम मित्र हैं और इस सूचना पर हमारे आए हैं, हम सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। मनोज जी, इस कार्यक्रम को और जैसे धरती गर्म हो रही है, सूरज आग उगल रहा है, पर्यावरण का लगातार नुकसान हो रहा है, तो कैसे हम लोग इसको बढ़ाएं? ये बहुत ही सराहनीय कदम आप लोगों का रहा है। अभी मैनेजर साहब ने भी बताया और कैप्टन साहब का भी उत्साह, सारे ग्राम वासियों का उत्साह हमने देखा। और इस अवसर पर मैं पूज्य माता जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। और यह गौरव का विषय है कि आप एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं कि पूरा परिवार जो समाज सेवा के क्षेत्र में और समाज को एक नई दिशा देने के लिए, माता जी की यह सोच कि अपने शरीर को मरने के बाद हम देहदान करें और हमारे शरीर से जो आने वाले हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे छात्र हैं जो मेडिकल की छात्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी कुछ शिक्षा मिले, यह सोच बहुत ही बड़ी सोच है। और पूरे परिवार का आप लोगों का जो सहयोग और इसमें समाज के प्रति समर्पण देखने में मिल रहा है, यह निश्चित तौर पर हम आगे आने वाले समय में चाहेंगे कि इसमें हम लोगों से भी जो सहयोग समय समय पर जैसे भी जहां जरूरत हो हम लोग पूरी तरह से इस आपके इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। विनम्र आभार सभी आदरणीय दोस्तों को। कुछ कहना चाह रहे थे जनार्दन सिंह सर्वोदय, जिसे सभी परिचित हैं पर्यावरण, इन्होंने एक अच्छा बाग लगाया है। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लौट करके आए तो इन्होंने पर्यावरण की शुरुआत किया, बाग रास्ते में ही है। बताएं सर कुछ कह रहे थे। सबसे पहले हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कैप्टन साहब का कि उन्होंने अपने पैसे से खरीद करके दो वृक्ष, एक यहाँ पर और एक मेरे घर पर लगाने के लिए लाए। और हम बहुत अधिक तो नहीं कहना चाहते, आज के जमाने में पर्यावरण यहाँ पर इतना संतुलित होता जा रहा है, उसमें वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान। मैं अधिक न कह करके अपने ही महाकाव्य जागृति जो 750 पृष्ठों के है और जिसको डॉक्टर विवेकी राय ने भी अपनी किताब गाली संवाद में उसके बारे में लिखा है, मैं उसी की चंद लाइनें जो पहले लिखी हुई है बस सुना दे रहा हूँ, अधिक भाषा उसमें लिखा है। पर्यावरण घिरा चतुर्दिक सभी आवरण, पर्यावरण कहलाता है, इसको गंदा करना ही प्रदूषण कहलाता है। वृक्ष और पौधे हम सबको वायु अन्न देते हैं, किंतु स्वार्थ में पड़कर हम सब उन्हें काट देते हैं। जिन पौधों से हम सबको फूल और फल मिलते हैं, कुछ गिने साधनों हेतु उन्हें हम भी नष्ट कर देते हैं। जो पौधे ईंधन छाया देते, मिट्टी का क्षरण रोकते हैं, झूम झूम कर मन बहलाते, उनको ही हम काटते हैं। जिन वृक्षों पर अनगिन पक्षी कलरव करते रहते हैं, क्या सोचा क्षण भर भला कभी क्यों उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो जो पौधे औषधियां बनकर जीवन की रक्षा करते हैं, क्या सोचा क्षण भर भला कभी क्यों उन्हें काट देते हैं। जिन वृक्षों की डालों पर पक्षी नीड सृजित करते हैं, क्यों भला उन्हें हम काटते हैं जिन पर सहवास वह करते हैं। जो वृक्ष वायु घटकों को
जो वृक्ष वाय घटकों को सदा संतुलित रखते हैं, क्यों भला उन्हें हम काटते हैं जो पर्यावरण स्वच्छ रखते हैं। बस अंत में दुबे जी की बड़ी पसंद है, चार लाइनें हमारी हैं जो सार्वभौमिक है, पार्टिकुलर नहीं। खासतौर से चंदा जी आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। पके रसीले सुंदर फल, पके रसीले सुंदर फल भूख जगा देते हैं, चाहत को विकल बनाकर सहज दिखा देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि विश्व में फैले हुए सभी पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हम लोग चंद कदम चलें और इस पृथ्वी को, अगर पर्यावरण का स्वच्छ है तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। सादर आभार सभी का, धन्यवाद।